मोदी सरकार कर रही है किसानों के लिए कर रही है तैयार तगड़ा प्लान। आप भी जाने क्या है वो प्लान। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के आते ही तोहफों की झड़ी लगा दी है। पहले सवर्णों की आरक्षण दिया, अब किसानों को भी तोहफा देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार किसानों को लुभाने के लिए तगड़ा प्लान तैयार कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव तैयार हो गया, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। किसानों के लिए कर जमा फी के बदले ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नए प्रस्ताव में किसानों को सीधे पैसे दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव में ओडिशा तेलंगाना मॉडल की झलक है। स्कीम के तहत हर परिवार के लिए रकम की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। स्कीम के तहत किसानों को सरकारी खरीद कीमत सुनिश्चित की जाएगी। इस पैकेज में बीमा, कृषि कर्ज, आर्थिक मदद एक साथ देने पर विचार हो रहा है। सरकार व्यक्तिगत फायदा देने के बजाय परिवार को मदद देने पर विचार कर सकती है। इस स्कीम के तहत किसान परिवार के अलावा ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को मदद लोन दे सकती है। इस स्कीम में छोटे सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर जोर है। इस स्कीम के तहत किसानों 0% ब्याज पर लोन देने पर फैसला हो सकता है। किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार कालिया का अध्ययन कर रही है। कालिया मॉडल के तहत प्रति किसान परिवार को 5 क्रॉप सीजन के लिए 25,000 रुपए देने का प्रस्ताव है। सालाना एकमुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार। इसके साथ ही सरकार आर्थिक बोझ की समीक्षा कर रही है। इस खबर से संबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताएं और ऐसी खबरें पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।